गुड मॉर्निंग बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज अवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ इसी चैप्टर में। ठीक है, इवन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, है ना। हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब लोगों, मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में क्या पढ़ा है। ठीक है, और कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, जब सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने कहा था कि ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था उस टाइम भी। ठीक है, आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर से बहुत सवाल आते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी। चलिए तो शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले जान लेते हैं एक बार फिर से कि क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो याद कीजिए कि दोज प्रॉपर्टीज, याद करें, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स किस पर डिपेंड करेंगी, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सही बात है, मतलब जो डिपेंड करें सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, मतलब सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, इस पर डिपेंड करें। उनको कोई मतलब नहीं है कि सॉल्यूट कौन सा है, यानी कि दे डजंट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। फिर से सुन ले एक बार, मैंने कहा आपसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होंगी किसी सॉल्यूशन की जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। मतलब आपने एक मोल सॉल्यूट डाला तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, दो मोल डाला तो कुछ और होगी, चार मोल डाला तो कुछ और होगी। क्लियर हो रही है बात मेरी। ठीक है, अब पार्टिकल्स को आप मोल फ्रैक्शन से भी बता सकते हो। क्लियर हो रही है बात मेरी, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना मोल चेंज होने पर। तो जो डिपेंड करे कि आपने कितना सॉल्यूट लिया है, उसको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने कौन सा सॉल्यूट लिया है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात। ठीक है, मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कह रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इवन मैं आपको पहले बता चुका हूं। अच्छा, हमें अपने सिलेबस में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना था। ठीक है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या थी बता सकते हैं आप सर, रिलेटिव लॉरिंग। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हम, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इसको हमने डिटेल में देखा था, है ना। मैं आपको इसका फॉर्मूला याद दिलाऊं, आपने पढ़ा था पीए नोट माइनस पीए अपॉन में पीए नोट, और ये बराबर होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अरे भाई, ये प्रॉपर्टी केवल किस पर डिपेंड कर रही, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, मोल फ्रैक्शन पार्टिकल्स को ही तो बताएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। सेकेंड हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, समझेंगे क्या होती है, चिंता नहीं करनी। थर्ड हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर डिप्रेशन में तो हम हैं इस टाइम, ये कहां से आया, फिर भी आया कहीं से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, चौथा हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कुल मिला के इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, चार नहीं तीन इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हेडिंग लगाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज अवर सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग लगाए अपनी कॉपीज में, हेडिंग लगाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और समझे इसको कि क्या मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है। चलिए देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हो ना क्या होता है? हाँ सर जानते हैं, जिस टेम्परेचर पर भाप बन जाए, क्या बन जाए, भाप, है ना, देखते हैं क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए सुने देखो, इन जनरल हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है
जिस पर कोई सब्सटेंस वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाए जल्दी जल्दी, है ना, या यूं कह दो कि मतलब हाहाकार मच जाए। लिक्विड पार्टिकल थे, आराम से रह रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी मिली, अब कह रहे हैं कि मेरे को कंटेनर को छोड़ के जाना है, है ना, हाहाकार सा मच जाए, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट जैसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, आप सुनो, ध्यान से सुनो, आपको पता है सोल्यूशन कैसे बनता है? अरे सर पता है, 50 बार बता चुके हैं आप कैसे बनता है सोल्यूशन, जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जानते हैं सर, हम लेंगे एक सॉल्वेंट, ठीक है, और इसमें मिला देंगे कोई सॉल्यूट, क्या मिला देंगे, कोई सॉल्यूट, इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट होते हैं ना सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट इसको हम लिख रहे हैं ए से और सॉल्यूट को हम लिख रहे हैं बी से, बोलो क्लियर होती है बात में? ठीक है, अच्छा, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें यह मान के चलना है कि हमारा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मान के क्या चलना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब ही दिखती है जब सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब याद करें, मैंने आपको पढ़ाया था डिप्रेशन इन, आई एम सॉरी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, तो वहां हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी तो लिया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, सही बात है ना, सॉलिड के पार्टिकल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, वेपर नहीं बनाना चाहेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और उसी को हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था, बैठ रहा है कुछ दिमाग में? तो यहां भी हमें सॉल्यूट कैसा लेना है, नॉन वोलेटाइल, क्लियर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से कुछ बातें मैं लिख रहा हूं। मैंने बनाया एक सॉल्यूशन, किससे, एक लिक्विड सॉल्वेंट से, ठीक है, और एक सॉल्यूट जो कि किस कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अच्छा सुनो, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में, तो हम पढ़ चुके हैं कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, हाँ है ना। अरे भाई, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप किसी सॉल्वेंट में ऐड करोगे, जस्ट इमेजिन कि सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था PaNO, पढ़ चुके है ना, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा, PbNO, और किसके बराबर, 0 के बराबर, बोलो क्लियर है। जब इसको ऐड किया जाएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, सही बात है। तो ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा कब, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, क्लियर हो रही है बात में, ठीक है। अच्छा, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज करा तो बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? अब याद करो लास्ट लेक्चर को, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाया था मैंने आपको, वहां मैंने आपको समझाया था कि जिसका वेपर प्रेशर जितना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अरे वेपर प्रेशर कम होने से क्या मतलब है, वेपर प्रेशर कम होने से मतलब है कि भाप नहीं बनना चाहते, बोलो हाँ या ना, वेपर प्रेशर कम होने से क्या मतलब है कि वो भाप नहीं बनना, अरे वेपोराइज नहीं होना चाहता, इवेपोरेशन का नेचर कम है उसका, यही तो मतलब है ना वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का, क्लियर है। यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, अब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, और उस रीजन से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी ऊपर से बता दिया है ना, अभी थोड़ा सा एक फील ले लो कि भैया वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, पढ़ चुके पहले हम, बहुत पढ़ चुके, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पहले से इंक्रीज कर जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक बार इसको ग्राफ से समझते हैं तब कहानी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि क्या कहना चाह रहा मैं, क्या कहना चाह रहा, मुझे एक आवाज आ रही है नीचे से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, हैं, मतलब पुराने सीरियल चल रहे हैं आजकल घरों में, चलो देखें, वापस देखें, मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था कि एक ग्राफ बना के समझते हैं इस बात को। मैंने आपको इतना बताया कि भैया सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इतना मैंने आपको बताया थियोरेटिकली। अब एक ग्राफ से समझते हैं इसको, जस्ट इमेजिन यहां बनाते हैं, मैंने एक ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर का किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, वेपर प्रेशर का किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को मेरे ये ग्राफ बनाने से, बिल्कुल नहीं है सर, पहले बना चुके हो क्या, बिल्कुल बना चुके हो। ध्यान से सुनो, अभी कहा था मैंने कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक होगा सर सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट, है ना, तो मैं सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बना रहा हूं वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, हमारा सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, हाँ कि ना, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। अरे सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर होगा ना, बिल्कुल होगा सर, जस्ट इमेजिन कि वो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इस तरह वेरी कर रहा, बना चुके एक ग्राफ,
बना चुके हैं, आपको ध्यान है हमने पढ़ा था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जब मैं बता रहा था आपको कि दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, तो वही मैंने आपको बताया था टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन, ठीक है। कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आता है ना, पर इतना जरूर कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। टेम्परेचर इधर बढ़ रहा, वेपर प्रेशर इधर बढ़ रहा, बोलो कोई डाउट सर? बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो सुनो, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक सर नहीं। अब सुनो, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? सॉल्वेंट का। किसका बनाया भाई? सॉल्वेंट का। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस सॉल्वेंट में ऐड किया सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा है आपका? नॉन वोलेटाइल। कैसा सॉल्यूट है भाई? नॉन वोलेटाइल। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, हाँ है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन के लिए सेम ग्राफ बनाना चाहूं तो वो सॉल्वेंट के कुछ नीचे आएगा। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा कि नहीं होगा? होगा, अभी देखा हमने, अभी देखा हमने, अभी क्या हम देखते ही आ रहे हैं बहुत टाइम से, है ना, कि बिल्कुल अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ नीचे आएगा, हाँ है ना, हो सकता है और नीचे आए, हो सकता है और ऊपर आए। हमने अंदाजा लिया भाई कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे आएगा, बोलो हाँ कि ना। टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर यहाँ भी बढ़ेगा पर सॉल्वेंट से कम, क्लियर हो गई बात। ये ग्राफ किसको दिखा रहा? सर ये दिखा रहा सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन में है क्या? सॉल्यूशन में सर लिक्विड है और एक सॉलिड है, बोलो क्लियर होती है बात मेरी? एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, सॉलिड कौन है? नॉन वोलेटाइल। क्लियर, कोई दिक्कत? इन दोनों ग्राफों में कोई दिक्कत नहीं है तो अब किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई एम श्योर। अब सुनो सुनो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अभी बताया सर आपने, हाहाकार मच जाता है इस टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सुनो ध्यान से, वो तो सिक्स क्लास की डेफिनेशन है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट हो जाए। ये तो सिक्स क्लास में पढ़ी थी, सेवन क्लास में जाने देते हैं इसको, अभी थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। शायद सबको पता भी हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक्चुअली में ये वो टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। क्या मतलब सर? सुनो पहले लिखता हूं फिर समझाऊंगा इसको। टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड या ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन या लिक्विड भी कह सकते हो, है ना, लिक्विड का ही तो होता है बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर भाई वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बराबर हो जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या लिख दिया सर, समझ में नहीं आया? सुनो सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, ये कोई लिक्विड है मेरे पास इस तरह का, ये कोई लिक्विड है मेरे पास, अब थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना, ये कोई लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, मेरे को इसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या? अब इस क्लास वाली डेफिनेशन को पकड़ो जिस पर ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसको गैस में कन्वर्ट होने से कौन रोक रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ है ना। अरे ये ऊपर की तरफ जाना चाहता, गैस बनेगा तो ऊपर जाएगा, वेपोराइज होगा, क्लियर हो रही है बात मेरी? ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा पर इसको रोक कौन रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है जो कि कह रहा है कि नहीं भैया तुम यहीं बैठे रहो, क्लियर हुई है इसकी तरफ, क्लियर हुई है। अब सुनो सुनो, अगर इसका प्रेशर जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, तो ये इस कंटेनर को छोड़ के जाने लगेगा, वेपोराइज होने लगेगा, बॉइल होने लगेगा, इसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फिर से समझो, फिर से समझो, मैंने क्या कहा, ये एक लिक्विड है, ठीक है, अब ये लिक्विड है, ये ऊपर जाना चाह रहा पर इसको कौन रोक रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा है कि नहीं भैया तुमको नहीं जाने देंगे, सही है। अब ये ऊपर कब जा सकता है? जब इसका प्रेशर ऊपर की तरफ इसके प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, क्या मैं सही हूं? ठीक है, जिस टेम्परेचर पर, ध्यान से, जिस टेम्परेचर पर इसका प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर या सॉल्यूशन का प्रेशर, इस प्रेशर से, किस प्रेशर से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा,
किताबें लिखती हैं बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर से कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। आप सुनो ध्यान से, ग्राफ को पकड़ो ध्यान से, सुनो। मैंने कहा कि ये जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर यहां होता है 180। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, कहां होगा, यहां पे 180 प्रेशर ये है। अच्छा, सॉल्वेंट के लिए कितने टेम्परेचर पर हुआ ये, जरा ध्यान से देखो। प्योर सॉल्वेंट के लिए सर इतने टेम्परेचर पर हुआ या नहीं हुआ, बोलो, क्लियर होगी बात मेरी। अरे भाई, सॉल्वेंट के लिए ये कितने टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, या कह दूं इस ग्राफ से आप मेरे को सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो हल वाले बता दोगे। अरे भाई, ये टेम्परेचर है जिस पर इसका प्रेशर कितना हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, हमने माना ग्राफ में कि ये 180 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या है ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा सुनो, किससे लिखती हूँ इसको मैं, TB नोट से। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग, और नोट का क्या मतलब है, यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग कि प्योर स्टेट में है ये, प्योर स्टेट में, क्लियर। अच्छा, अब मैंने मिलाया इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मुझे ग्राफ मिला ही, इसका प्रेशर 180 के बराबर किस टेम्परेचर पर हो रहा, सर इस टेम्परेचर पर, किस पर, इस पर हो रहा, बोलो हाँ या ना। अरे 180 के बराबर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर किस टेम्परेचर पर हो रहा, किसका, सॉल्यूशन का, सर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जब मैंने सॉल्यूट मिला दिया तो। इसे मैंने कहा टीबी, क्या कहा, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का। क्लियर हो रही है कुछ कुछ बात, खुद ही देख लो ध्यान से, क्या बॉइलिंग पॉइंट बड़ा, बिल्कुल बड़ा सर, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और किस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लिखेंगे डेल्टा टीबी से। कुछ कुछ बात समझ में आई, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, मैं मिटा दे रहा है इसको, क्या है ये, सुने ध्यान से, ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा आपसे, सुने ध्यान से, ये किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए, ग्राफ सुने ध्यान से, मैंने कहा कि सॉल्वेंट के लिए इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है आ रहा 180 के बराबर आ रहा प्रेशर एक्चुअली, फिर से इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही तो बात बनना, यही तो वेपराइज होना शुरू हो गए तेजी से, इसको मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये टेम्परेचर, इसका प्रेशर 180 के बराबर इस टेम्परेचर पर हो रहा, तो मैंने कहा इसको टीबी। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो टेम्परेचर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। इसी को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि डेल्टा टीबी, फिर से, कि डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नो, बोलो क्लियर होती है बात मेरी। क्या मतलब है यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स का, सर टीबी बराबर है ट्यूबरक्लोसिस, है बीमारी होती है, टीबी बराबर किसके है, सर टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कि भैया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा। टीबी नोट किसके बराबर है, सर टीबी नोट बराबर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और आपने जब मिलाया इसमें सॉल्यूट तो टेम्परेचर बढ़ा और कुछ डिफरेंस आया बॉइलिंग पॉइंट में, जिसको हम क्या लिख रहे हैं डेल्टा टीबी, इसको हम लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बात क्लियर हुई, इतनी हो जानी चाहिए, क्लियर हुई, इतनी हो जानी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा, अब आगे हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, कैसे, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि भैया जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन लिख दो सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेबिलिटी के। कैसे पता, एक्सपेरिमेंटली, तो इसके पीछे भी एक थ्योरेटिकल कहानी है, वो नहीं करनी, हमारे काम की नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के, स्मॉल एम से लिखते हैं ना, बट स्मॉल एम मतलब मोलेलिटी, बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। अच्छा, सबको पता है
कि मोलेलिटी क्या होती है, सर बचपन से पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होती है मोलेलिटी, मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, किसमें? इन किलोग्राम। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां से कुछ नजर आ रहा क्या? सर यहां से नजर आ रहा कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलो हाँ या ना, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अभी हमने पढ़ा था कि वो प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स या कहूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, किसके? सॉल्यूट के। उनको नेचर से कोई यहां कहीं लिखा हुआ है क्या ये नंबर ऑफ मोल्स NaCl के होने चाहिए, यूरिया के होने चाहिए, या बेंजीन के होने चाहिए, या किसी और के होने चाहिए? नहीं, किसी के भी हो कोई मतलब नहीं है, कितने हैं इससे मतलब है, ठीक है। तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो हाँ की ना, समझ में आया होगा ये प्रॉपर्टी भी हमारी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो वापस यहीं आते हैं अपन, है ना। यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी भी नजर आ रहा है, मोलिटी पर डिपेंड कर रहा है, और मोलिटी जानते हो ये होती है, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की। क्लियर हो रही है बात में? ठीक है इतना, चले आगे। चलो सुनो 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 सुनो, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से, सुनो ध्यान से। अब यहां पर आया मेरे पास आया यहां पर डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। वापस इसी को लिख देते हैं, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। फील हुआ ना कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। बहुत बढ़िया। आप सुनो, मैंने कहा डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, कोई कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल लाना पड़ेगा सर, कॉन्स्टेंट की तो बहुत जरूरत है। हम लेके आए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाया केवी, कौन सा कॉन्स्टेंट? केवी इंटू एम। बोलो क्लियर बात इतनी, हमने कॉन्स्टेंट कौन सा लिया? केवी। केवी का भी बड़ा अपना ही ठाट है, इसका स्वैग है केवी का भी, अपना भी पता लगेगा आपको, है ना। तो मैंने कहा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। केवी क्या है सर? केवी एक कॉन्स्टेंट है, और क्यों लेके आए सर? बराबर करने के लिए लेके आए। इस कांस्टेंट को कहते हैं, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और एनसीईआरटी बहुत प्यार से इसका एक और नाम लिखता है, बहुत प्यारा नाम लिखता है, क्या? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। बड़ा प्यारा नाम रखा है इसका, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर होती है बात मेरी? मैं जब इसको पढ़ता हूं तो मुझे वायरस याद आ जाता है, इबोला, है ना। कुछ ऐसे ही नाम से वायरस था, साउथ अफ्रीका में फैला था। सर वायरस का तो नाम ही मतलब है ना, एक ने जिंदगी खराब कर रही है। सुने ध्यान से, मैंने क्या कहा? डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी इनटू एम। केवी क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम हमने रखा क्या? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा थोड़ी बात कर ले केवी के बारे में, और तो यहां से केवी के बारे में हमने पता किया, और पता लगा कि केवी डिपेंड करता है, केवी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, किस पर डिपेंड करेगा? ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करेगा? ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, यहां से मैं केवी का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो कैसे बनेगा? केवी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीवी बाय एम। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, बता सकते हो इसका यूनिट क्या होगा केवी का? बिल्कुल बता सकते हैं सर, केवी का यूनिट होगा डेल्टा टीवी, टेम्परेचर है केल्विन में लोगे। मोलिटी, यूनिट क्या होती है मोलिटी की? मोल्स पर केजी, पता है ना सबको, मोल्स पर केजी, तो केजी चला जाएगा ऊपर, तो क्या यूनिट आ जाएगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? कर लेंगे आराम से, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर है बात मेरी? अच्छा ये जो केवी है ये निकाला कैसे जाता है? फॉर्मूला है इसका, हम उसकी बाद में करेंगे, है ना। यहां से केवी को डिफाइन करने को कहते हैं आपको, तो कैसे डिफाइन करोगे, है ना। तो सुनो ध्यान से भाई, एक बात बताओ, इफ एम इज इक्वल्स टू वन, जस्ट इमेजिन मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है मेरे पास जिसमें सॉल्वेंट कितना लिया है आपने?
1 kg, सॉल्वेंट कितना लिया 1 kg, ठीक है, और आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स लिए सर 1 मोल, तो उसकी मोलैलिटी कितनी होगी 1, क्लियर है बात मेरी? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा kb के, ठीक है, इफ m इज इक्वल्स टू 1 देन kb, देन kb विल बी इक्वल्स टू डेल्टा T, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, kb को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 mole/kg हो तो उस सॉल्यूशन में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ही किसके बराबर होगा kb के, या इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि 1 kg सॉल्वेंट में मैंने 1 mole किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाला, ये ध्यान रखना कैसा सॉल्यूट डालना है, नॉन वोलेटाइल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तभी तो होगा, क्लियर हो गई बात मेरी? तो फिर से मैंने क्या कहा, मैंने 1 kg सॉल्वेंट लिया उसमें 1 mole किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाला तो उसका एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा उसी को हम क्या कहेंगे केबी, केबी यानी कि इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट और यू कैन से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर है, यूनिट ध्यान रखेंगे आपके केबी की केल्विन किलोग्राम पर, क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। तो हमने बात की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर दूं कि भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे किसी सॉल्वेंट के अंदर तो वो आपको जीने तो नहीं देगा, ठीक है, आप उसको परेशान कर रहे हैं, लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हैं, है ना, तो उसने कहा कि भैया मैं करूंगा मेरा वेपर प्रेशर कम, उसको हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन सॉरी हमने पढ़ा था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, वहां पढ़ा था ना वेपर प्रेशर कम हो रहा था, तो वेपर प्रेशर कम करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए मेरा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ेगा उसको हमने क्या कहा डेल्टा टीवी, मैंने ग्राफिकल बताया आपको कि किस तरह से डेल्टा टीवी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भैया टीवी माइनस टीवी नो अगर ये वैल्यू गिवन हो, ठीक है, अल्गो हमें पता है कि केबी डेल्टा टीवी एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके मोलिटी के इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लेके आए केबी, केबी के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की कि डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर, ठीक है, केबी डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर, फिर हमने कहा कि केबी जो है बराबर होगा डेल्टा टीवी अपॉन एन के, तो यहां से यूनिट निकाल लिया हमने केबी की, क्लियर होता है इतना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपसे पूछ ले कि आप कैसे कह सकते हो कि कोलिमेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे कि भैया सॉल्यूट के केवल मोल्स पर या पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है ना, सॉल्यूट के नेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है कि सॉल्यूट कौन सा है, क्लियर है, ऐसी प्रॉपर्टीज को सर हम क्या कह देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलो क्लियर इतना, ठीक है, इतना जरूर कि वो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए सॉलिड, कैसा सॉलिड, बाकी कौन सा सॉल्यूट है उससे कोई लेना देना इसको नहीं है, आप यूरिया डाल दो है ना सॉलिड सॉल्यूट पड़ेंगे ना, यूरिया डाल दो ग्लूकोज डाल दो सुक्रोज डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना डाला है इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बनाए इसके, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, ठीक है, थैंक यू।